इलेक्ट्रिक ड्राइव के पिछले लेक्चर में हमने डीसी ड्राइव के बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम एसी ड्राइव के बारे में डिस्कस करेंगे। एसी ड्राइव क्या है, इसका डेफिनेशन पहले देखते हैं। इफ द मोटिव पावर इन एन इलेक्ट्रिक ड्राइव इज प्रोवाइडेड बाई एसी मोटर देन सच इलेक्ट्रिक ड्राइव्स आर कॉल्ड एसी ड्राइव्स। कहने का मतलब हुआ कि हमें जो डिजायर्ड पावर है, हमें जो वांछित पावर है जो चाहिए, वो अगर एसी मोटर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है तो उस इलेक्ट्रिक ड्राइव को हम लोग एसी ड्राइव कहते हैं। द एसी मोटर्स रिक्वायर्स कंट्रोल ऑफ फ्रीक्वेंसी वोल्टेज एंड करंट फॉर वेरिएबल स्पीड एप्लीकेशंस। एसी मोटर के स्पीड को वेरी करने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। द पावर कन्वर्टर्स इन्वर्टर्स एंड एसी वोल्टेज कंट्रोलर कैन कंट्रोल द फ्रीक्वेंसी वोल्टेज एंड करंट टू मीट द ड्राइव रिक्वायरमेंट। यानी कि पावर कन्वर्टर इन्वर्टर और एसी वोल्टेज कंट्रोलर, ये जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इनका उपयोग फ्रीक्वेंसी वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। दीज पावर कन्वर्टर्स आर रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स एंड मोर एक्सपेंसिव। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स जो हैं, ये सब अपेक्षाकृत डीसी मोटर की तुलना में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं एंड रिक्वायर एडवांस्ड फीडबैक कंट्रोल टेक्निक। और ज़्यादा एक्यूरेसी प्राप्त करने के लिए एडवांस्ड फीडबैक कंट्रोल टेक्निक का उपयोग किया जाता है। लेकिन हम इस लेक्चर को आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस करेंगे। हाउएवर द एडवांटेज ऑफ एसी ड्राइव्स आउटवेज द डिसएडवांटेज। फिर भी जो एसी ड्राइव के जो एडवांटेज हैं वो डिसएडवांटेज की तुलना में ज़्यादा डिसएडवांटेज से ज़्यादा हावी हैं। अब हम लोग देखते हैं कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल हम लोग कैसे करते हैं और अलग अलग कन्वर्टर्स का यूज करके हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्पीड को कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल हम लोग करेंगे यूजिंग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी PWM वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर ड्राइव। PWM कहने का मतलब है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। इसके बारे में हमने इन्वर्टर के चैप्टर में डिस्कस किया था। तो PWM वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर इस ड्राइव का उपयोग करके हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्पीड को कंट्रोल करेंगे। तो द ब्लॉक डायग्राम सिस्टमेटिक डायग्राम एंड आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी PWM वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर ड्राइविंग ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज शोन इन फिगर। यानी कि ब्लॉक डायग्राम सिस्टमेटिक डायग्राम और आउटपुट वेवफॉर्म, ये तीनों आपको दिखाया गया है फिगर में। यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम है और जो कि ये आपको थ्री फेज इंडक्शन मोटर को ड्राइव कर रहा है और इसमें आपको PWM VSI इन्वर्टर का यूज किया गया है। और इस ब्लॉक डायग्राम में आप देखें कि ये तीन आपको एसी सप्लाई, थ्री फेज एसी सप्लाई आपको अनकंट्रोल्ड एसी टू डीसी रेक्टिफायर में दिया गया है। अनकंट्रोल्ड एसी टू डीसी रेक्टिफायर कहने का मतलब है कि इसमें डायोड का यूज करके इस रेक्टिफायर को बनाया गया है, इसमें थायरिस्टर का उपयोग नहीं किया गया है। थायरिस्टर का अगर उपयोग किया जाता है तो उसे कंट्रोल्ड रेक्टिफायर कहते हैं और ये अनकंट्रोल्ड है, यानी कि डायोड का यूज करके बनाया गया है। उसके बाद ये आपका कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि आपको वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन रखता है। जो आपका यहाँ एसी से डीसी कन्वर्ट होगा उस वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन करके रखेगा। और उसके बाद PWM वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के द्वारा इस डीसी को फिर एसी में कन्वर्ट किया जाएगा, थ्री फेज एसी में कन्वर्ट किया जाएगा। और
इस आउटपुट जो एसी होगा उसके फ्रीक्वेंसी को PWM VSI इन्वर्टर के द्वारा चेंज करेंगे, और जब फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो फिर हमारा इंडक्शन मोटर का स्पीड फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट होता है, तो हमारा इंडक्शन मोटर का स्पीड भी वेरी करेगा। यह आपका सिस्टमेटिक डायग्राम है PWM VSI इन्वर्टर का, जिसमें कि ये पोर्शन आपको अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर है डायोड का यूज करके, ये आपका थ्री फेज फुल रेक्टिफायर है अनकंट्रोल्ड, और इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर लगाया गया है जो कि वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन करके रखता है। उसके बाद ये आपका इन्वर्टर है, और ये जो स्विच आप देख रहे हैं ये आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, थायरिस्टर हो सकता है, पावर मॉस्फेट हो सकता है, पावर ट्रांजिस्टर हो सकता है, या आपका कोई भी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकते हैं। और इन सब के पैरेलल में एक फीडबैक डायोड लगा हुआ है, जैसा कि इन्वर्टर के केस में आपने देखा था कि प्रत्येक थायरिस्टर के अक्रॉस फीडबैक डायोड लगाया जाता है, और इस इन्वर्टर का आउटपुट आपको थ्री फेज इंडक्शन मोटर में दिया जाएगा, और फ्रीक्वेंसी को वेरी करके और थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्पीड को वेरी किया जाएगा। इंडक्शन मोटर को जो वेवफॉर्म मिलेगा एसी वेवफॉर्म, उसका शेप कुछ इस टाइप से होगा। ये PWM टाइप का इन्वर्टर है, तो इसमें जो आउटपुट पल्स मिलेंगे ये आपका सारे पल्स का विड्थ एक जैसा नहीं होगा, या जैसा साइनसॉइडल वेवफॉर्म होता है उस टाइप से प्रत्येक का विड्थ अलग अलग है। बीच वाले पल्स का विड्थ सबसे ज़्यादा होगा और उसके बाद साइड वाले पल्स का विड्थ सबसे कम होगा। तो इसके बारे में हमने PWM इन्वर्टर के केस में डिस्कस किया था कि ये वेवफॉर्म कैसे प्राप्त होता है, तो यहाँ पे वेवफॉर्म आपको इसी प्रकार का वेवफॉर्म आपको यहाँ पे इंडक्शन मोटर के टर्मिनल पे मिलता है। और इसमें जो ये डॉट लाइन से दिखाया गया है ये आपका फंडामेंटल ये आपका वेवफॉर्म है, एसी वेवफॉर्म फंडामेंटल वेवफॉर्म है। द थ्री फेज एसी इज कन्वर्टेड टू कॉन्स्टेंट डीसी बाई डायोड रेक्टिफायर। डायोड रेक्टिफायर का यूज करके थ्री फेज एसी को पहले कॉन्स्टेंट डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। द फ्रीक्वेंसी इज वेरिड वाई द PWM VSI इन्वर्टर। पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के द्वारा फ्रीक्वेंसी को वेरी किया जाता है। द सर्किटरी बिटवीन द रेक्टिफायर एंड इन्वर्टर कंसिस्ट ऑफ ए कैपेसिटर। रेक्टिफायर और इन्वर्टर के बीच में जो सर्किट है एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो वही है। द सर्किटरी बिटवीन द रेक्टिफायर एंड इन्वर्टर कंसिस्ट ऑफ ए कैपेसिटर, एक कैपेसिटर होता है कॉल्ड फिल्टर सर्किट, इसको फिल्टर सर्किट कहते हैं। द फंक्शन ऑफ फिल्टर सर्किट इज टू स्मूथ डीसी इनपुट वोल्टेज टू इन्वर्टर। इस फिल्टर सर्किट का काम है कि डीसी इनपुट वोल्टेज इन्वर्टर में जो डीसी इनपुट वोल्टेज मिल रहा है इन्वर्टर को, उसको स्मूथ करना है मतलब कि उसको हार्मोनिक्स से फ्री करना है। द सर्किटरी इन बिटवीन रेक्टिफायर एंड इन्वर्टर इज कॉल्ड डीसी लिंक। रेक्टिफायर और इन्वर्टर के बीच में जो सर्किटरी है, जो सर्किट है, उसको डीसी लिंक कहते हैं, डीसी लिंक। अब हम लोग जानते हैं कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर के केस में जो रोटर का स्पीड है वो होता है 1-S इंटू ओमेगा एस, जहाँ ओमेगा एस जो है वो सिंक्रोनस स्पीड है, एस जो है वो रोटर का स्लिप है। स्लिप कहने का मतलब है कि सिंक्रोनस स्पीड और रोटर का स्पीड का जो डिफरेंस होता है उसको स्लिप कहते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो सिंक्रोनस स्पीड होता है वो सप्लाई फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला होता है 120 F/P, जहाँ P नंबर ऑफ पोल है, F सप्लाई फ्रिक्वेंसी है। तो ये आपका होता है NS, ये RPM में होता है, रेवोल्यूशन पर मिनट में, और ये आपका रेवोल्यूशन, ये आपका रेडियन पर सेकंड में है। तो यानी कि सिंक्रोनस स्पीड जो है वो सप्लाई फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। तो जब सिंक्रोनस स्पीड सप्लाई फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, तो हमारा रोटर का स्पीड भी
सप्लाई फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल हुआ। हेंस बाय वेरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ PWM VSI इन्वर्टर पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर की फ्रीक्वेंसी को वेरी करके हम लोग रोटर के स्पीड को वेरी करते हैं। इन द डायोड ब्रिज रेक्टिफायर नाइदर डीसी बस वोल्टेज नॉर द करेंट कैन बी रिवर्स्ड, यानी कि डायोड ब्रिज रेक्टिफायर में न तो डीसी बस वोल्टेज और ना ही करंट को रिवर्स किया जा सकता है, उसकी पोलरिटी को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। हेंस रीजेनरेटिव ब्रेकिंग इज नॉट पॉसिबल, इसलिए इस ड्राइव में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं है। रीजेनरेटिव कहने का मतलब है कि जब हमारा मोटर करंट ड्रॉ न करके करंट पावर है जो कि वो सप्लाई को वापस करता है तो उसे रीजेनरेटिव कहते हैं। द रीजेनरेटिव ब्रेकिंग कैन बी अचीव्ड बाई यूजिंग ए फोर क्वाड्रेंट एसी डीसी कन्वर्टर, यानी कि रीजेनरेटिव ब्रेकिंग को प्राप्त किया जा सकता है फोर क्वाड्रेंट एसी डीसी कन्वर्टर को अप्लाई करके, उसका यूज करके इन प्लेस ऑफ अनकंट्रोल्ड डायोड रेक्टिफायर। अनकंट्रोल्ड डायोड रेक्टिफायर की जगह पे फोर क्वाड्रेंट एसी डीसी कन्वर्टर का उपयोग करके रीजेनरेटिव ब्रेकिंग प्राप्त किया जा सकता है। फोर क्वाड्रेंट का मतलब है कि वो कन्वर्टर जो कि चारों क्वाड्रेंट में ऑपरेट करते हैं। द पावर लॉसेस इन PWM VSI इन्वर्टर इज सिग्निफिकेंटली हायर देन स्क्वायर वेव VSI। स्क्वायर वेव वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर की तुलना में पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में जो पावर लॉस है वो सिग्निफिकेंटली कुछ ज़्यादा होता है। नो फीडबैक कंट्रोल इज रिक्वायर्ड इफ द एक्यूरेसी इज नॉट द प्रीमियम रिक्वायरमेंट, अगर एक्यूरेसी हमारा प्रीमियम रिक्वायरमेंट नहीं है तो फीडबैक कंट्रोल हम लोग यूज नहीं करते हैं। अदरवाइज जहां एक्यूरेसी प्रीमियम रिक्वायरमेंट है वहां फीडबैक कंट्रोल का यूज किया जाता है, और आजकल मॉडर्न स्पीड कंट्रोल जो है वो फीडबैक कंट्रोल का यूज करके ही होते हैं। सेकेंड है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का कंट्रोल हम लोग इसमें देखेंगे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी स्क्वायर वेव वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के द्वारा। इसके पहले हमने देखा था पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के द्वारा हमने थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्पीड कंट्रोल को देखा, अब हम लोग देखेंगे स्क्वायर वेव वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के द्वारा। तो द ब्लॉक डायग्राम एंड सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ द स्क्वायर वेव वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर ड्राइविंग थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज शोन इन फिगर। तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम है जिसमें कि आपका ये आपका जो एसी सप्लाई है वो पहले एसी डीसी रेक्टिफायर में दिया जाता है, इस रेक्टिफायर से आपको जो आउटपुट डीसी मिलता है वो एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर के थ्रू फिर स्क्वायर वेव वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में प्रोवाइड किया जाता है। ये इंडक्टर जो है वो वेव फॉर्म को स्मूथ करने का काम करता है, और कैपेसिटर जो है वो आपके वेव फॉर्म को कॉन्स्टेंट वोल्टेज को कॉन्स्टेंट मेंटेन करके रखता है। और इस स्क्वायर वेव वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के आउटपुट को जो कि एसी होता है, इसका आउटपुट इन्वर्टर है या डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा, तो इसके आउटपुट को फिर थ्री फेज इंडक्शन मोटर को ड्राइव करने के लिए सप्लाई दिया जाता है। और स्क्वायर वेव वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर की फ्रिक्वेंसी को वेरी करके थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। ये आपका सिस्टमेटिक डायग्राम है जो कि आपका ये आपका कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है, एसी टू डीसी रेक्टिफायर है, इधर आपका एसी है और यहाँ पर आपको डीसी मिलेगा। तो ये रेक्टिफायर है लेकिन ये कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है, इसमें थारिशर का यूज किया गया है, और उसके बाद एक इंडक्टर वेवफॉर्म को स्मूथ करने के लिए और एक कैपेसिटर कनेक्ट किया गया है वोल्टेज को कॉन्स्टेंट मेंटेन करने के लिए। उसके बाद ये आपका इन्वर्टर है जो कि इस डीसी वेवफॉर्म को एसी में फ्रीक्वेंसी को चेंज करके वेरी करके आपको थ्री फेज इंडक्शन मोटर में वो सप्लाई करेगा। तो ये जो इन्वर्टर है और जो हमने पिछले ड्राइव में देखा था इन्वर्टर, वो दोनों सेम ही हैं, बस उस पिछले फिगर में ये आपका जो थारिस्टर है उसको स्विच के द्वारा दिखाया गया है, और इसी के अक्रॉस आपको फीडबैक डायोड कनेक्ट किया हुआ था। ये फीडबैक डायोड को अलग से कनेक्ट किया गया है लेकिन वो थारिस्टर के अक्रॉस ही कनेक्टेड है। तो
दोनों ही सर्किट डायग्राम सेम है, सिर्फ अंतर है कि इसमें आपका एक इंडक्टर कनेक्टेड है और ये जो रेक्टिफायर है एसी डीसी रेक्टिफायर, ये कंट्रोल रेक्टिफायर है। और इसका जो आपको आउटपुट पल्स मिलेगा, आउटपुट वेवफॉर्म होगा लाइन टू लाइन वोल्टेज जो होगा, जो कि इंडक्शन मोटर के अक्रॉस, इंडक्शन मोटर के टर्मिनल के अक्रॉस अपीयर होगा, वो आपका स्क्वायर वेवफॉर्म होगा। स्क्वायर वेव वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर ड्राइव इज काइंड ऑफ डीसी लिंक कन्वर्टर। ये आपका स्क्वायर वेव वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर जो है वो एक टाइप का डीसी लिंक कन्वर्टर है। जो आपने पिछला जो आपने ड्राइव देखा वो भी आपका डीसी लिंक कन्वर्टर ही था। एंड इज ए टू स्टेज कन्वर्टर, और ये दो स्टेज टू स्टेज कन्वर्टर कन्वर्शन डिवाइस है। और पिछला जो हमने देखा था वो भी टू स्टेज कन्वर्शन डिवाइस ही था। ये थ्री फेज सप्लाई इज फर्स्ट रेक्टिफाइड यूजिंग ए रेक्टिफायर। तो जो थ्री फेज सप्लाई होती है उसको सबसे पहले रेक्टिफाई किया जाता है यूजिंग ए रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का यूज करके पहले उसको रेक्टिफाई किया जाता है ऑन द लाइन साइड। द रेक्टिफाइड डीसी, जो रेक्टिफायर का जो आउटपुट होगा डीसी, इज इन्वर्टेड, अब उसको इन्वर्ट किया जाता है टू एसी, एसी में ऑफ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, जो हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, जिस फ्रीक्वेंसी का स्पीड हमें चाहिए उस फ्रीक्वेंसी के अनुसार हमें उस डीसी को एसी में इन्वर्ट किया जाता है बाय एन इन्वर्टर। इन्वर्टर के द्वारा डीसी को एसी में आपको कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रकार से ये जो है आपका टू स्टेज कन्वर्टेशन डिवाइस हुआ कि पहले डीसी को, पहले एसी को डीसी में कन्वर्ट किए, फिर डीसी को एसी में कन्वर्ट किए। तो हमारा ये कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी का जो था वो आपको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का मिला आउटपुट। ये आपको द इंडक्टेंस इन द डीसी लिंक सर्किट प्रोवाइड्स अ स्मूथिंग, यानी कि इंडक्टेंस जो डीसी लिंक सर्किट में दिया गया है वो आपको स्मूथिंग प्रोवाइड करता है, वेवफॉर्म को स्मूथ करता है। वेयर एज द कैपेसिटेंस मेंटेन्स द कॉन्स्टेंसी ऑफ द लिंक वोल्टेज, जबकि कैपेसिटेंस जो है वो लिंक वोल्टेज के कॉन्स्टेंसी को, यानी कॉन्स्टेंट उसको मेंटेन रखता है। द डीसी लिंक इज ए कंट्रोल्ड क्वांटिटी, डीसी लिंक वोल्टेज जो है वो कंट्रोल्ड क्वांटिटी है, क्योंकि ये जो डीसी आपको मिल रहा है ये कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के द्वारा मिल रहा है, यानी कि ये आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल्ड हो सकता है, ये वेरी हो सकता है, चेंज हो सकता है। द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एट द मशीन टर्मिनल, मशीन के टर्मिनल के जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मिलेगा इज एट ऑल टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डीसी लिंक वोल्टेज, यानी कि इंडक्शन मोटर के टर्मिनल के जो आपको वोल्टेज मिलेगा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, वो ऑल टाइम हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिंक डीसी लिंक वोल्टेज, डीसी लिंक वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि ये डीसी लिंक वोल्टेज चूंकि वेरिएबल है, कंट्रोल रेक्टिफायर के द्वारा ये आपको रेक्टिफाई हो रहा है, तो ये वेरिएबल है आपको, यानी कि जब इसको वेरी करेंगे तो आपको इंडक्शन मोटर का वोल्टेज भी वेरी करेगा। एंड द मशीन करेंट इज ए फंक्शन ऑफ लोड एडमिटेंस, यानी कि मशीन का जो करंट है यानी इंडक्शन मोटर में जो करंट है वो आपका इसके एडमिटेंस पे, इंडक्शन मोटर के एडमिटेंस या इम्पीडेंस पे डिपेंड करेगा, उसका फंक्शन है, इम्पीडेंस एडमिटेंस का फंक्शन है मशीन का करंट। जबकि जो वोल्टेज है, इसके टर्मिनल का वोल्टेज है वो आपको डीसी लिंक वोल्टेज पे डिपेंड करता है। देयरफॉर इंडक्शन मोटर इज एन आइडियल लोड फॉर ए वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। इस प्रकार से इंडक्शन मोटर जो है वो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के लिए आइडियल लोड है, इन व्यू ऑफ हार्मोनिक इन द लोड करंट। लोड करंट में हार्मोनिक कम होता है क्योंकि आपका इंडक्शन मोटर जो है वो इंडक्टिव लोड है, तो इसमें आपको हार्मोनिक्स कम होते हैं, इसलिए इंडक्शन मोटर जो है वो आइडियल लोड है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के लिए। बाय प्रॉपर स्विचिंग ऑफ द इन्वर्टर थायरिस्टर, इन्वर्टर थायरिस्टर को बाय प्रॉपर स्विचिंग, प्रॉपर स्विच करके, प्रॉपर ऑन ऑफ करके द डीसी लिंक वोल्टेज इज इम्प्रेस्ड अक्रॉस द फेजेज ऑफ द इंडक्शन मोटर अल्टरनेटली, यानी इंडक्शन डीसी लिंक वोल्टेज को इंडक्शन मोटर के फेजेज के क्रॉस अपीयर कराया जाता है थायरिस्टर को, थायरिस्टर इन्वर्टर को स्विच करके, ऑन ऑफ करके अल्टरनेटली बारी बारी से। द वोल्टेज वेवफॉर्म
at the output terminals depends purely on this switching and the conduction of thyristors. यानी कि जो output waveform है at the output terminal, यानी motor के input terminal के जो output waveform है वो purely depend करता है, पूरी तरीके से depend करता है इस switching पे ही, हम किस frequency से इसे switch कर रहे हैं, on off कर रहे हैं, और thyristor कितने देर के लिए conduct कर रहा है, इस पे पूरी तरह से ये dependent है. If the thyristors conduct 180 degree in a period, अगर thyristor जो है 180 degree के लिए conduct करता है, the output voltage is in the form of a square wave. तो output voltage जो है आपको square wave form के रूप में मिलता है. In this case, the voltage control is obtained by means of a phase control rectifier on the line side. और इस केस में जो voltage control है वो प्राप्त होता है फेज कंट्रोल रेक्टिफायर के द्वारा ऑन द लाइन साइड में. द डीसी लिंक वोल्टेज इज वेरिएबल. डीसी लिंक वोल्टेज जो है वो वेरिएबल है एंड द आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म रिमेन्स द सेम एट ऑल लोड एंड द फ्रीक्वेंसी. डीसी लिंक वोल्टेज आपका वेरिएबल है जबकि आपका वेव फॉर्म जो है वो प्रत्येक लोड पे फॉर ऑल लोड, हर लोड के लिए और फ्रीक्वेंसी के लिए वेव फॉर्म आपका सेम होता है. द स्पीड कंट्रोल रेंज ऑफ द इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग ऑन ए स्क्वायर वेव इन्वर्टर इज 1:20. यानी कि इंडक्शन मोटर जो कि स्क्वायर वेव इन्वर्टर के द्वारा जिसका स्पीड कंट्रोल किया गया है तो उसके स्पीड को 1:20 के रेशियो में कम किया जा सकता है, वेरी किया जा सकता है, यानी उसका जो बेस स्पीड है उससे 20 टाइम्स 20 गुना तक कम किया जा सकता है. ए सेपरेट फेज कंट्रोल्ड कन्वर्टर इज रिक्वायर्ड फॉर रीजनरेशन. इसमें रीजनरेशन के लिए आपको सेपरेट फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, सेपरेट फेज कंट्रोल कन्वर्टर अप्लाई करना होता है. तीसरा है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी करंट सोर्स इन्वर्टर ड्राइव. ये वेरिएबल करंट सोर्स इन्वर्टर फीडिंग थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज शोन इन फिगर. आपको CSI मतलब करंट सोर्स इन्वर्टर, तो इसमें हम लोग इंडक्शन मोटर को, थ्री फेज इंडक्शन मोटर को करंट सोर्स इन्वर्टर के द्वारा कंट्रोल करेंगे. इसके इंडक्शन मोटर का स्पीड को करंट सोर्स इन्वर्टर के द्वारा कंट्रोल करेंगे. तो इसके लिए आपको सर्किट डायग्राम इस फिगर में दिखाया गया है. इसमें क्या है कि आपको ये आपका कंट्रोल्ड कन्वर्टर रेक्टिफायर है जो कि आपको AC को DC में यहाँ पे कन्वर्ट करता है, और ये आपका जो है वो करंट सोर्स इन्वर्टर है और ये हाई, इन दोनों को, रेक्टिफायर को और इन्वर्टर को एक हाई इंडक्टेंस के द्वारा कनेक्ट किया गया है. ये इंडक्टेंस जो है वो करंट को कॉन्स्टेंट मेंटेन करके रखता है क्योंकि ये करंट सोर्स इन्वर्टर है, इसलिए इसके करंट को कॉन्स्टेंट मेंटेन करके रखा जाता है. और करंट सोर्स इन्वर्टर के लिए किसी फीडबैक डायोड की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसमें कोई भी फीडबैक डायोड थायस्टर के साथ नहीं लगाया गया है. इसका सीरीज में डायोड और कैपेसिटर लगाया गया है. एक कैपेसिटर प्रत्येक दो फेज के बीच में कनेक्टेड है. ये आपको लोड के साथ मिलकर कम्यूटेशन प्रोवाइड करते हैं थायस्टर को. द AC-DC कन्वर्टर एट द इनपुट इज ए कंट्रोल्ड कन्वर्टर. AC-DC कन्वर्टर जो कि इनपुट पे लगा हुआ है वो एक कंट्रोल्ड कन्वर्टर है, थायस्टर का यूज करके वो रेक्टिफायर बनाया गया है. द वेरिएबल DC लिंक वोल्टेज इज कन्वर्टेड टू ए करेंट बाई कनेक्टिंग ए लार्ज इंडक्टेंस. यानी कि जो वेरिएबल DC लिंक वोल्टेज है जो कि रेक्टिफायर का आउटपुट है, तो उसे टू ए करंट, उसको करंट में कन्वर्ट किया जाता है, कॉन्स्टेंट करंट में कन्वर्ट किया जाता है बाय कनेक्टिंग ए लार्ज इंडक्टेंस. लार्ज इंडक्टेंस कनेक्ट करके और जो वेरिएबल डीसी लिंक वोल्टेज है उसे करंट में कन्वर्ट किया जाता है बिटवीन कन्वर्टर आउटपुट एंड इन्वर्टर. कन्वर्टर के आउटपुट और इन्वर्टर के बीच में लार्ज इंडक्टेंस को कनेक्ट करके और करंट को कॉन्स्टेंट मेंटेन किया जाता है. As the link current is held constant,
चूंकि लिंक करंट जो है वो उसे कांस्टेंट रखा जाता है, द आउटपुट करंट वेव फॉर्म इज डिटरमाइंड बाय द ऑपरेशन ऑफ इन्वर्टर। करंट सोर्स इन्वर्टर है ये, तो करंट सोर्स इन्वर्टर में जो कि इसका जो इनपुट करंट है उसको कांस्टेंट रखा जाता है, तो आउटपुट करंट इसका वेव फॉर्म जो है वो इन्वर्टर के ऑपरेशन पर डिपेंड करता है। व्हाइल द आउटपुट वोल्टेज इज डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ द लोड इम्पीडेंस, और जबकि इसका आउटपुट वोल्टेज, इन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज जो है वो लोड के इम्पीडेंस पर डिपेंड करता है, लोड इम्पीडेंस के नेचर पर डिपेंड करता है, और इनपुट करंट आपका इन्वर्टर के ऑपरेशन पर डिपेंड करता है। ए सी एस आई करंट सोर्स इन्वर्टर ड्राइव इज सुटेबल फॉर लोड्स विच प्रजेंट ए लो इम्पीडेंस टू हारमोनिक करेंट एंड हैव यूनिटी पावर फैक्टर। यह करंट सोर्स इन्वर्टर ड्राइव जो है वो सुटेबल है उस लोड के लिए जो कि हारमोनिक करंट को, लो इम्पीडेंस प्रोवाइड करते हैं एंड जिसका कि पावर फैक्टर लगभग यूनिटी के नज़दीक हो। सी एस आई करंट सोर्स इन्वर्टर ड्राइव आर मोस्टली यूज, करंट सोर्स इन्वर्टर ड्राइव ज़्यादातर प्रयोग होता है इन लार्ज हॉर्स पावर एप्लीकेशन, यानी हाई रेटिंग एप्लीकेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। हॉर्स पावर जो है आपका, इसे शॉर्ट में एच पी कहते हैं, यानी कि यह आपका पावर का यूनिट है, तो करंट सोर्स इन्वर्टर का उपयोग लार्ज हॉर्स पावर एप्लीकेशन के लिए, हाई पावर रेटिंग के लिए किया जाता है, हाई पावर रेटिंग मशीन के लिए। ये करंट सोर्स इन्वर्टर हैज ए वेरी सिंपल कन्फिग्रेशन, करंट सोर्स इन्वर्टर का कन्फिग्रेशन जो है वो बहुत सिंपल होता है। नो फीडबैक डायोड्स आर रिक्वायर्ड, इसमें कोई फीडबैक डायोड की जरूरत नहीं होती है। एज द डीसी लिंक कंटेन्स ओनली द इंडक्टेंस, रीजनरेशन इज पॉसिबल बाय चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज, यानी कि चूंकि डीसी लिंक जो है इसमें, इसमें सिर्फ डीसी लिंक में, यानी डीसी लिंक यानी कि रेक्टिफायर का जो आउटपुट है उसमें सिर्फ इंडक्टेंस के द्वारा कनेक्ट किया गया है उसको, तो इसलिए इसमें करंट सोर्स इन्वर्टर ड्राइव में रीजनरेशन पॉसिबल है बाय चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज, वोल्टेज की पोलैरिटी को चेंज करके और करंट की डायरेक्शन को मेंटेन रखते हुए रीजनरेशन इसमें पॉसिबल है। द कम्यूटेशन ऑफ द इन्वर्टर इज लोड डिपेंडेंट, इन्वर्टर का जो कम्यूटेशन है, थ्रेशोल्ड का जो टर्न ऑफ होगा वो लोड पर डिपेंड करता है। द लोड पैरामीटर्स फॉर्म ए पार्ट ऑफ द कम्यूटेशन सर्किट, लोड का जो पैरामीटर्स है वो कम्यूटेशन सर्किट का एक पार्ट है। द मैचिंग इज देयरफॉर रिक्वायर्ड बिटवीन द इन्वर्टर एंड मोटर, और इसलिए इन्वर्टर और मोटर के बीच में मैचिंग की जरूरत होती है, पैरामीटर्स को मैच करना होता है। द इन्वर्टर मस्ट नेसेसरली बी फर्स्ट कम्यूटेटेड, इन्वर्टर जो है इसमें फर्स्ट कम्यूटेट किया जाता है इन्वर्टर को, एज द इंडक्शन मोटर कैन नॉट प्रोवाइड द रिएक्टिव पावर फॉर द इन्वर्टर, चूँकि इंडक्शन मोटर जो है वो इन्वर्टर को रिएक्टिव पावर प्रोवाइड नहीं करता है, इसलिए इन्वर्टर को फर्स्ट कम्यूटेट करके ऑफ किया जाता है। नेक्स्ट कंट्रोल है आपका थ्री फेज इंडक्शन मोटर कंट्रोल है, वी वाई एफ कंट्रोल, यानी कि वोल्टेज को वेरी करते हैं और फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं, तो वी वाटा एफ कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्पीड को कंट्रोल हम लोग करेंगे वी वाटा एफ कंट्रोल के द्वारा। तो वी वाटा एफ कंट्रोल क्या है, द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द इंडक्शन मोटर एंड हेंस द रोटर स्पीड कैन बी कंट्रोल्ड बाई वेरिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ द स्टेटर ए सी सप्लाई, स्टेटर का जो ए सी सप्लाई होता है उसकी फ्रिक्वेंसी को वेरी करके और रोटर के स्पीड को चेंज किया जा सकता है, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड आपका चेंज होता है इंडक्शन मोटर का, सिंक्रोनस स्पीड चेंज होगा तो रोटर का स्पीड भी चेंज होगा। और थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लिए जो स्टेटर में पर फेज वोल्टेज है उसका एक्सप्रेशन होता है V1 इज टू V1 स्टेटर के लिए है, 1 फॉर स्टेटर रूट 2 पाई KW1 F1 NPH1 इंटू 5, ये आपका स्टेटर का पर फेज वोल्टेज का एक्सप्रेशन होता है, जहां V1 जो है वो आपका स्टेटर का वोल्टेज है
और के डब्ल्यू वन जो है ये आपका वाइंडिंग फैक्टर है, एफ वन जो है आपका सप्लाई फ्रिक्वेंसी है, और एन पी एच वन है ये आपका शटर का पर फेज नंबर ऑफ टर्न है, और एफ जो है वो फाइव जो है वो आपका फ्लक्स है। इफ़ द रेशियो ऑफ सप्लाई वोल्टेज, यहाँ पे देखिए इस एक्सप्रेशन में कि अगर हम यहाँ पे हमारा वोल्टेज है, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है, तो वोल्टेज वाटा फ्रिक्वेंसी अगर करें वी वाई एफ, तो ये आपका हो जाएगा प्रोपोर्शनल है फाई के, या कह सकते हैं कि फाई जो है आपका प्रोपोर्शनल है वी वाई एफ के। यानी कि अगर वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी इन दोनों का रेशियो को अगर कांस्टेंट मेंटेन रखा जाता है, कांस्टेंट मेंटेन रखा जाता है, तो आपका फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो ये जो वी वाई एफ कंट्रोल है वो इसी प्रिंसिपल पे आधारित है कि वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी को इस प्रकार से वेरी किया जाता है कि फ्लक्स जो है आपका कांस्टेंट मेंटेन रहता है। यानी कि अगर हम वोल्टेज को आधा कर दें और फ्रिक्वेंसी को भी आधा कर दें तो आपके ये फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर वोल्टेज को वन थर्ड कर दें और फ्रिक्वेंसी को भी वन थर्ड कर दें, दोनों को वेरी करना है, दोनों को सेम रेशियो में वेरी करना है ताकि फ्लक्स आपका कॉन्स्टेंट मेंटेन रहे। तो इफ द रेशियो ऑफ सप्लाई वोल्टेज वी वन, सप्लाई वोल्टेज वी वन टू सप्लाई फ्रिक्वेंसी एफ वन इज केप्ट कॉन्स्टेंट, अगर वी वन और एफ वन का रेशियो कॉन्स्टेंट रखा जाए तो द एयर गैप फ्लक्स फाई है वो कॉन्स्टेंट रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। अब हम लोग देखेंगे कि स्टार्टिंग टॉर्क का इक्वेशन हम लोग ड्राइव करेंगे, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लिए ड्राइव नहीं करेंगे, उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, और फिर मैक्सिमम टॉर्क का एक्सप्रेशन लिखेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि वी वाई एफ को जब हम लोग चेंज करते हैं, यानी कि वी वाई एफ को कॉन्स्टेंट रखते हुए फ्रिक्वेंसी को वोल्टेज को वेरी करते हैं, तो उसका स्टार्टिंग टॉर्क पे और मैक्सिमम टॉर्क पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये हम लोग अब देखेंगे, और उसके बाद फिर ये भी देखेंगे कि फिर स्पीड पे क्या प्रभाव पड़ता है। फिर टॉर्क और स्पीड का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ड्रॉ करेंगे, और फिर वहाँ से हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि उस स्पीड पे क्या फर्क पड़ता है फ्रिक्वेंसी को वेरी करने पे और वी वाई एफ को कॉन्स्टेंट रखते हुए। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के केस में आप स्टार्टिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन पढ़े होंगे, थ्री बाई ओमेगा एस इंटू जी वन का होल स्क्वायर बाई आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर और प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर इंटू आर टू, जहाँ आर टू जो है ये आपको रोटर का रेजिस्टेंस है, आर वन स्टेटर का रेजिस्टेंस है, और एक्स वन स्टेटर का रिएक्टेंस है, और एक्स टू रोटर का रिएक्टेंस है, वी वन आपका सप्लाई वोल्टेज है, और ओमेगा एस सिंक्रोनस स्पीड है, और रोटर और स्टेटर का जो रेजिस्टेंस है वो उसके रिएक्टेंस की तुलना में बहुत ही स्मॉल होता है, इसलिए हम लोग ये एडिशन में जो ये टर्म है इसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, और जब इसको निगलेक्ट करेंगे और साथ ही साथ इस ओमेगा एस के जगह पे हम टू ओमेगा वन बाई पी पुट करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू होता है 120 एफ बाई पी, जहाँ एफ आपका सप्लाई फ्रिक्वेंसी है, पी नंबर ऑफ पोल है, ये सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला होता है। तो अगर हम इसे रेडियन पर सेकंड के टर्म में करेंगे तो उस केस में आपका सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला हो जाएगा 2 इंटू ओमेगा 1 बाई पी, जहाँ ओमेगा एस सिंक्रोनस स्पीड है रेडियन पर सेकंड में, और ये आपका सप्लाई फ्रिक्वेंसी है रेडियन पर सेकंड में। तो ओमेगा एस का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे एक्सप्रेशन में, और आर वन प्लस आर टू को नेगलेक्ट करेंगे तो हमें स्टार्टिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन मिलेगा। यहाँ पे अगर हम टू ये वाला वैल्यू पुट करेंगे तो पी आपका ऊपर में चला आएगा, तो हो जाएगा थ्री पी बाई टू ओमेगा वन, और इस टर्म को हमने नेगलेक्ट किया है, ये टर्म आपका नेगलेक्ट हो गया है, तो सिर्फ आपका ये टर्म बचा, और ये जो रिएक्टेंस है, और रिएक्टेंस का हम लोग फार्मूला जानते हैं कि रिएक्टेंस जो है वो ओमेगा इंटू एल होता है, तो वन है एक्स वन है तो ओमेगा वन इंटू एल, और एक्स टू है ये आपको भी हो जाएगा फ्रिक्वेंसी सेम होगा, और एक्स टू इंटू एल टू, और ये ओमेगा वन इंटू एल वन। तो एक्स वन के जगह पे अगर हम ओमेगा वन इंटू एल वन रखें और एक्स टू के जगह पे ओमेगा वन इंटू एल टू रखें, क्योंकि फ्रिक्वेंसी दोनों के लिए सेम है,
और यहाँ से ओमेगा वन को दोनों में से कॉमन ले तो आपको हो जाएगा, यहाँ ओमेगा वन स्क्वायर आपको कॉमन हो जाएगा जो कि वी वन के साथ लिखा गया है, वी वन बटा ओमेगा वन का स्क्वायर, और इधर आपको बच जाएगा ये आर टू बाई एल वन प्लस एल टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन पर देखने से हम ये कह सकते हैं कि अगर फ्रिक्वेंसी को वेरी किया जाता है वी बाई एफ को कॉन्स्टेंट रखते हुए, ये आपका एफ ही है, फ्रिक्वेंसी है, ये आपको रेडियन पर सेकंड में है लेकिन ये आपका एफ के प्रोपोर्शनल ही है। तो अगर फ्रिक्वेंसी को वेरी किया जाता है वी बाई एफ को कॉन्स्टेंट रखते हुए तो उस केस में आपका ये टर्म आपका कॉन्स्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वी बाई एफ को कॉन्स्टेंट रखा गया है, वी बटा एफ को कॉन्स्टेंट कहने का मतलब है कि वी बटा ओमेगा को कॉन्स्टेंट रखा गया है, और ये टर्म भी आपका कॉन्स्टेंट है, और ये थ्री पी भी कॉन्स्टेंट है, टू भी कॉन्स्टेंट है, ये सिर्फ आपका ओमेगा वन वेरिएबल है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका स्टार्टिंग टॉर्क जो है, ये आपका स्टार्टिंग टॉर्क जो है ये प्रोपोर्शनल है वन बाई ओमेगा वन के, यानी कि सप्लाई फ्रिक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर सप्लाई फ्रिक्वेंसी हमारी कम होती है तो सप्लाई फ्रिक्वेंसी को अगर हम कम करते हैं तो स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होगा, और अगर फ्रिक्वेंसी को अगर इंक्रीज करेंगे तो स्टार्टिंग टॉर्क कम हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को देखने से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अब हम मैक्सिमम टॉर्क का एक्सप्रेशन देखते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क का एक्सप्रेशन थ्री फेज इंडक्शन मोटर के केस में क्या होता है। तो मैक्सिमम टॉर्क जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैक्सिमम टॉर्क वो इक्वल टू फार्मूला होता है थ्री बाई ओमेगा एस इंटू वी वन के स्क्वायर बाई टू इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू, जहाँ एक्स वन आपका स्टेटर का रिएक्टेंस है और एक्स टू आपका रोटर का रिएक्टेंस है। तो यहाँ पर भी अगर हम एक्स वन की जगह पर ओमेगा वन एल और एक्स टू की जगह पर ओमेगा वन एल टू पुट करें तो हमें, और ओमेगा एस की जगह पे यही वैल्यू पुट करें टू ओमेगा वन बाई पी, तो हमें ये आपको मैक्सिमम टॉर्क का एक्सप्रेशन हो जाएगा थ्री पी बाई टू ओमेगा वन इंटू वी वन के स्क्वायर बट्टा टू इंटू, और यहाँ से ओमेगा कॉमन लिए तो आपको बचेगा एल वन प्लस एल टू, या हो गया आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज इक्वल टू थ्री पी बाई फोर, और ये ओमेगा वन और ये ओमेगा वन मिलकर आपको ओमेगा वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, और वी वन के साथ इसको लिख सकते हैं वी वन बटा ओमेगा वन का होल स्क्वायर इंटू वन बटा एल वन प्लस एल टू। इस इक्वेशन टू को देखकर हम ये कह सकते हैं कि अगर फ्रिक्वेंसी को वेरी किया जाता है, अगर सप्लाई फ्रिक्वेंसी को वेरी किया जाता है वी बाई एफ को कॉन्स्टेंट मेंटेन करते हुए, वी बाई एफ को कॉन्स्टेंट मेंटेन करते हुए अगर फ्रिक्वेंसी को वेरी किया जाता है तो चूंकि वी बटा एफ कॉन्स्टेंट है इसलिए ये टर्म आपका कॉन्स्टेंट है, ये टर्म आपको कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि वी बटा ओमेगा जो है, चूंकि वी बटा एफ को कॉन्स्टेंट रखा गया है इसलिए ये टर्म आपका कॉन्स्टेंट है, ये टर्म भी आपका कॉन्स्टेंट है, और ये टर्म भी आपका कॉन्स्टेंट है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर फ्रिक्वेंसी को वेरी किया जाता है वी बाई एफ को कॉन्स्टेंट रखते हुए तो आपको मैक्सिमम टॉर्क पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, मैक्सिमम टॉर्क पहले जितना था उतना ही फ्रिक्वेंसी के चेंज करने पे भी होगा, यानी कि मैक्सिमम टॉर्क के कोई प्रभाव, फ्रिक्वेंसी चेंज करने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, और स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो फ्रिक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इक्वेशन टू सोच दैट, इक्वेशन टू बताता है कि इफ वी वन बटा ओमेगा वन और एयर गैप फ्लक्स फाई इज केप्ट कॉन्स्टेंट, क्योंकि वी वन बटा ओमेगा वन को कॉन्स्टेंट रख रहे हैं तो वी वन बटा ओमेगा वन वो फ्लक्स फाई है तो फ्लक्स फाई भी आपको कॉन्स्टेंट होगा, द मैक्सिमम टॉर्क रिमेन अनअल्टर्ड, यानी मैक्सिमम टॉर्क आपको अल्टर नहीं होगा अगर फ्लक्स को कॉन्स्टेंट रखा जाए और वी वन बटा ओमेगा वन को कॉन्स्टेंट रखा जाए तो उस केस में फ्रिक्वेंसी चेंज करने पे मैक्सिमम टॉर्क आपका अनअल्टर्ड मीन्स चेंज नहीं होगा। इक्वेशन वन इंडिकेट, इक्वेशन वन बताता है कि स्टार्टिंग टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई फ्रिक्वेंसी ओमेगा वन, इक्वेशन वन बता रहा है कि स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो सप्लाई फ्रिक्वेंसी ओमेगा वन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड इफ एयर फ्लक्स इज केप्ट कॉन्स्टेंट, इवन इफ एयर फ्लक्स इज केप्ट कॉन्स्टेंट, यानी कि अगर एयर फ्लक्स को कॉन्स्टेंट रखा जाए, कॉन्स्टेंट कहने का मतलब है कि वी बटा एफ को कॉन्स्टेंट रखा जाए और फ्रिक्वेंसी को वेरी किया जाए कॉन्स्टेंट रखते हुए,
तो स्टार्टिंग टॉर्क आपका सप्लाई फ्रिक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि मैक्सिमम टॉर्क आपका इंडिपेंडेंट है। तो अगर हम टॉर्क और स्पीड का करेक्टरिस्टिक्स अगर ड्रॉ करें तो पाएंगे कि अगर ये मैक्सिमम टॉर्क का ये लाइन है, ये टॉर्क आपको मैक्सिमम टॉर्क दिखा रहा है, तो अगर किसी समय स्पीड अगर आपका सिंक्रोनस स्पीड सप्लाई फ्रिक्वेंसी अगर F1 है और उसके करस्पॉन्डिंग F1 सप्लाई फ्रिक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो सिंक्रोनस स्पीड है वो अगर ओमेगा S1 है, तो आपका ये जो टॉर्क स्पीड करेक्टरिस्टिक्स आपका इस करेक्टरिस्टिक्स को देखिए, ये आपका टॉर्क और स्पीड का करेक्टरिस्टिक्स इंडक्शन मोटर के केस में होता है कि स्टार्टिंग टॉर्क माना जाए कि ये आपका स्टार्टिंग टॉर्क है, स्टार्टिंग टॉर्क है और ये आपका सिंक्रोनस स्पीड है F1 फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग, तो आपका ये जो करेक्टरिस्टिक्स है ये आपको पहले ये मैक्सिमम पोजिशन तक पहुँचता है, मैक्सिमम टॉर्क तक, और उसके बाद फिर धीरे धीरे ये डिक्रीज होता है। और TL जो है आपका ये लोड टॉर्क है, और लोड टॉर्क और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो स्पीड होता है वही मोटर का स्पीड कहलाता है। तो ये दोनों टॉर्क, लोड टॉर्क और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, ये दोनों आपको इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो स्पीड होगा ये आपका मोटर का स्पीड है, जिसे हम ओमेगा एम1 कह रहे हैं, और ये आपका ओमेगा एस1 आपका सिंक्रोनस स्पीड था। अब फ्रिक्वेंसी को अगर चेंज किया जाए, फ्रिक्वेंसी को हमने अगर वेरी करना है, इस फ्रिक्वेंसी को अगर वेरी करना है, तो उस मान लीजिए कि फ्रिक्वेंसी आपका F1 से F2 हो गया और ये डिक्रीज हो गया, कम हो गया, फ्रिक्वेंसी को हमने डिक्रीज कर दिया, लेकिन वी बाई एफ को कॉन्स्टेंट मेंटेन रखते हुए। तो जब हम F2 को, जब हम फ्रिक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे तो हमारा सिंक्रोनस स्पीड डिक्रीज हो जाएगा, तो सिंक्रोनस स्पीड हमारा पहले ओमेगा एस1 था, तो अब ये डिक्रीज होकर के सिंक्रोनस स्पीड हमारा ओमेगा एस2 हो गया, ये डिक्रीज हो गया। और लेकिन मैक्सिमम टॉर्क पहले जितना था अभी भी मैक्सिमम टॉर्क उतना ही रहेगा, हमने एक्सप्रेशन में देखा कि मैक्सिमम टॉर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए मैक्सिमम टॉर्क अभी भी हमारा उतना ही है, और चूंकि हमने फ्रिक्वेंसी को डिक्रीज किया है इसलिए स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज करेगा। हमने देखा था कि स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए आपका स्टार्टिंग टॉर्क आपका ये इंक्रीज कर गया, मैक्सिमम टॉर्क उतना ही है और सिंक्रोनस स्पीड आपका डिक्रीज कर गया, और ये लोड टॉर्क और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही आपका मोटर का स्पीड होगा। तो हम देख रहे हैं कि पहले हमारा मोटर का स्पीड इस पॉइंट पे था ओमेगा एम1, और अब ये हमारा ओमेगा एम2 यहाँ पे है, अब ये मोटर हमारा इस पॉइंट को ऑपरेट कर रहा है, यानी कि इसका स्पीड जो है वो डिक्रीज हो गया। उसी प्रकार से अगर हम मान लीजिए कि फ्रिक्वेंसी को और चेंज करते हैं, अगर फ्रिक्वेंसी अगर हमारा F3 हो गया जो कि और डिक्रीज कर दिए अगर, तो हमारा सिंक्रोनस स्पीड उसके करस्पॉन्डिंग सिंक्रोनस स्पीड जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, और सिंक्रोनस स्पीड हमारा ओमेगा एस थ्री हो गया, और मैक्सिमम टॉर्क सेम रहेगा और स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज कर जाएगा, और आपका जो मोटर का जो ऑपरेशन है, मोटर जो ऑपरेट करेगा वो अब ओमेगा एम थ्री स्पीड पे ऑपरेट करेगा, जो कि पहले के स्पीड की तुलना में डिक्रीज हो गया है। ठीक उसी प्रकार से और अगर हम एफ फोर फ्रिक्वेंसी कर दें, यानी फ्रिक्वेंसी को और घटाते हुए अगर मान जाए कि एफ फोर कर दें, तो उस केस में आपको सिंक्रोनस स्पीड और डिक्रीज हो जाएगा और मैक्सिमम टॉर्क लेकिन अभी भी आपका कॉन्स्टेंट रहेगा और स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज कर जाएगा, और फिर लोड टॉर्क और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका मोटर का स्पीड होगा, तो मोटर आपका ओमेगा एम फोर स्पीड पे रोटेट करेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि फ्रिक्वेंसी चेंज करने पे हमारा जो मोटर का स्पीड है वो वेरी करता है। तो इस प्रकार से हम मोटर का स्पीड को कंट्रोल करते हैं। इट इज सीन फ्रॉम टॉर्क स्पीड करेक्टरिस्टिक्स, टॉर्क स्पीड करेक्टरिस्टिक्स से हम लोग यह पाते हैं कि एज बोथ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आर वेरीड, जब वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को वेरी किया जाता है, कीपिंग वी वाई एफ कॉन्स्टेंट, वी वाई एफ को रेशियो को कॉन्स्टेंट रखते हुए, स्पीड ऑफ द इंडक्शन मोटर कैन बी कंट्रोल्ड, इंडक्शन मोटर का स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। द कंट्रोल ऑफ बोथ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कैन बी कैरिड आउट थ्रू द यूज ऑफ थ्री फेज इन्वर्टर और साइक्लो कन्वर्टर, यानी कि द कंट्रोल ऑफ बोथ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, यानी कि इंडक्शन मोटर के
स्पीड को कंट्रोल करने के लिए बोथ वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ थ्री फेज इन्वर्टर या साइक्लो कन्वर्टर का यूज करके हम लोग फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं वी वाई एफ रेशियो को कॉन्स्टेंट रखते हुए। इन्वर्टर्स आर यूज इन लो एंड मीडियम पावर ड्राइव्स। इसमें जो ये थ्री फेज इन्वर्टर है उसका उपयोग लो और मीडियम पावर ड्राइव के लिए किया जाता है, जबकि साइक्लो कन्वर्टर का उपयोग हाई पावर ड्राइव के लिए किया जाता है, जैसे कि सीमेंट मिल में और लोकोमोटिव में। नेक्स्ट है आपका थ्री फेज इंडक्शन मोटर का कंट्रोल यूजिंग साइक्लो कन्वर्टर। साइक्लो कन्वर्टर का यूज करके हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्पीड को कंट्रोल करेंगे। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई टू एन इंडक्शन मोटर मे बी ऑब्टेन यूजिंग साइक्लो कन्वर्टर। साइक्लो कन्वर्टर का यूज करके हम लोग इन वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई इंडक्शन मोटर को प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने साइक्लो कन्वर्टर के चैप्टर में पढ़ा था कि साइक्लो कन्वर्टर जो है आपको फ्रीक्वेंसी को वेरी करता है, फ्रीक्वेंसी को साइक्लो कन्वर्टर के द्वारा वेरी करा के इंडक्शन मोटर का स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। ये साइक्लो कन्वर्टर इज ए सिंगल स्टेज फ्रीक्वेंसी कन्वर्सन डिवाइस। साइक्लो कन्वर्टर जो है वो फ्रीक्वेंसी कन्वर्सन डिवाइस है और ये सिंगल स्टेज फ्रीक्वेंसी कन्वर्सन डिवाइस है, यानी कि ये डायरेक्टली आपको फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है एक ही स्टेज में। विच कन्वर्ट एसी लाइन फ्रीक्वेंसी टू ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, जो कि एसी लाइन फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। ये थ्री पल्स साइक्लो कन्वर्टर फीडिंग ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज शोन इन फिगर। थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर जो कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर को ड्राइव कर रहा है, ये आपको फिगर में दिखाया गया है कि आपका थ्री फेज लाइन है और प्रत्येक फेज में एक थायरिस्टर कनेक्टेड है, और ये जो थायरिस्टर का एक पेयर आपको ये इसे पीछे सूचित किया गया है, यानी कि ये पॉजिटिव ग्रुप का थायरिस्टर है और एक पेयर आपका नेगेटिव ग्रुप का थायरिस्टर है, और ये प्रत्येक तीनों फेज के लिए आपका अलग अलग है, पी फेज पी ग्रुप का थायरिस्टर और एन ग्रुप का थायरिस्टर, और ये तीनों फेज के लिए आपका है पी ग्रुप का थायरिस्टर और एन ग्रुप का थायरिस्टर। ये पी ग्रुप का थायरिस्टर जब ऑन रहते हैं तो उस केस में जो आउटपुट आपको मिलता है साइक्लो कन्वर्टर का जो आउटपुट मिलता है वो आपको पॉजिटिव पल्स मिलता है, और जब ये निगेटिव फेज वाले थायरिस्टर जब ऑन रहेंगे तो उस केस में आपको आउटपुट पल्स निगेटिव पल्स मिलता है। तो इस प्रकार से हम थायरिस्टर के ड्यूरेशन को बढ़ा करके या घटा करके हम आउटपुट की फ्रिक्वेंसी को वेरी करते हैं, और जब फ्रिक्वेंसी को वेरी करेंगे तो फिर हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्पीड भी वेरी करेगा। ये साइक्लो कन्वर्टर फीडिंग ये साइक्लो कन्वर्टर फेड इंडक्शन मोटर ड्राइव हैज फॉलोइंग फीचर। कोई इंडक्शन मोटर जो कि साइक्लो कन्वर्टर के द्वारा ड्राइव किया जा रहा है उसमें निम्नलिखित फीचर होते हैं। पहला, द वोल्टेज कंट्रोल इज पॉसिबल इन द कन्वर्टर इटसेल्फ। वोल्टेज कंट्रोल जो है इसका कन्वर्टर में ही, खुद कन्वर्टर में ही ये होता है, अलग से हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं होती है। वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए अलग से किसी कन्वर्टर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये सिंगल स्टेज कन्वर्शन डिवाइस है, इसलिए ये वोल्टेज कंट्रोल इसका कन्वर्टर में खुद ही होता है। द साइक्लो कन्वर्टर ऑपरेट्स बाई मीन्स ऑफ लाइन कम्यूटेशन। साइक्लो कन्वर्टर लाइन कम्यूटेशन पे ऑपरेट करता है, यानी कि इसे फोर्स कम्यूटेशन की आवश्यकता नहीं होती है। द साइक्लो कन्वर्टर डिलीवर्स ए हाई क्वालिटी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। साइक्लो कन्वर्टर हाई क्वालिटी का साइनोसॉइडल वेवफॉर्म डिलीवर करता है एट ऑल फ्रिक्वेंसी, हर फ्रिक्वेंसी प्रत्येक फ्रिक्वेंसी पे ये आपका जो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म का जो क्वालिटी है वो हाई क्वालिटी होता है। देयरफॉर द मशीन ऑपरेशन इज स्मूथ। और इसलिए जब वेवफॉर्म आपका हाई क्वालिटी का वेवफॉर्म है तो आपको मशीन का ऑपरेशन स्मूथ और इफिशियंट होता है। ए साइक्लो कन्वर्टर इज कैपेबल ऑफ पावर ट्रांसफर इन आइदर डायरेक्शन। यानी कि साइक्लो कन्वर्टर है वो सक्षम है आपको पावर ट्रांसफर करने में इन आइदर डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में, बिटवीन द एसी सोर्स एंड मोटर लोड। एसी सोर्स और मोटर लोड दोनों के बीच में, दोनों डायरेक्शन में
करंट को पावर को ट्रांसफर करने में ये साइक्लो कन्वर्टर जो है वो सक्षम होता है। रीजनरेशन इज इनहेरेंटली इन द कंप्लीट स्पीड रेंज, और इसलिए क्योंकि दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो करा सकता है, पावर ट्रांसफर करा सकता है, इसलिए रीजनरेशन साइक्लो कन्वर्टर के द्वारा पूरे स्पीड रेंज में जितना ये वेरी किया जा सकता है ये इनहेरेंटली किया जा सकता है। अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ इसी सर्किट के द्वारा रीजनरेशन भी इसमें किया जा सकता है। द आउटपुट फ्रिक्वेंसी ऑफ द कन्वर्टर इज लिमिटेड टू 1/3 ऑफ द इनपुट फ्रिक्वेंसी। साइक्लो कन्वर्टर का जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी है वो लिमिटेड होता है इनपुट फ्रिक्वेंसी का 1/3 तक ही ये आपको स्टेप डाउन कर सकता है। यह स्पीड कंट्रोल रेंज ऑफ 0 से 33% ऑफ द बेस एट स्पीड इज पॉसिबल, और इसलिए क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी 1/3 तक ही ये स्टेप डाउन करता है, इसलिए जो स्पीड कंट्रोल भी है वो आपका 33% तक ही पॉसिबल है। इट रिक्वायर्स मैनी थायरिस्टर। साइक्लो कन्वर्टर में आपने देखा कि बहुत सारे थायरिस्टर की आवश्यकता होती है, विच ऑफसेट द एडवांटेज ऑफ लाइन कम्यूटेशन, जिसके कारण लाइन कम्यूटेशन का जो एडवांटेज है वो प्रभावित होता है। हाउएवर इफ ए थायरिस्टर फेल्स, अगर कोई थायरिस्टर फेल करता है, नो शटडाउन इज रिक्वायर, फिर भी सप्लाई को शटडाउन करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि द आउटपुट कैन बी मेड अवेलेबल, आउटपुट प्रोवाइड किया जा सकता है विदाउट एनी इंटरप्शन, बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, विथ स्लाइटली डिस्टॉर्टेड वेवफॉर्म, यानी कि वेवफॉर्म आपका उतना स्मूथ नहीं होगा, थोड़ा डिस्टॉर्टेड वेवफॉर्म होगा। अगर कोई थायरिस्टर फेल करता है, ऑपरेट होने में अगर फेल करता है, उस केस में भी आपको शटडाउन करने की आवश्यकता नहीं होती है, और कुछ सम डिस्टॉर्टेड वेवफॉर्म आउटपुट वेवफॉर्म कुछ डिस्टॉर्टेड वेवफॉर्म प्राप्त होता है, लेकिन आपका सप्लाई कंटिन्यू रहती है। साइक्लो कन्वर्टर फेड ड्राइव इज वेरी अट्रैक्टिव फॉर ए लो स्पीड लार्ज पावर एंड रिवर्सिबल ड्राइव के लिए। साइक्लो कन्वर्टर के द्वारा जो स्पीड कंट्रोल किया जाता है वो वेरी अट्रैक्टिव है फॉर लो स्पीड के लिए, जहाँ लो स्पीड कंट्रोल करनी है, और लार्ज पावर मशीन के लिए, और जहाँ रिवर्सिबल ड्राइव की आवश्यकता है। दिस ड्राइव फाइंड एप्लीकेशन इन गियरलेस सीमेंट। यह इस ड्राइव का एप्लीकेशन जो है वो गियरलेस सीमेंट मिल में प्रयोग किया जाता है, और बॉल मिल ड्राइव के लिए किया जाता है। बॉल मिल ड्राइव एक तरह का ग्राइंडर है, ये इसमें आपको कई सारे मटेरियल को मिक्स किया जाता है यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि ओवरऑल एसी ड्राइव का क्या एडवांटेज है। फॉर द सेम रेटिंग एसी मोटर्स आर लाइटर इन द वेट एज कंपेयर टू डीसी ड्राइव। डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव जो है वो आपका हल्का होता है, लाइटर होता है, वेट में हल्के होते हैं। डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव हल्के होते हैं। एसी मोटर्स रिक्वायर लो मेंटेनेंस एज कंपेयर टू डीसी ड्राइव। डीसी ड्राइव की तुलना में एसी मोटर में लो मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, मेंटेनेंस कम आवश्यकता होती है। एसी मोटर्स आर लेस एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू इक्विवेलेंट डीसी मोटर। एसी मोटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो डीसी मोटर उसके इक्विवेलेंट डीसी मोटर की तुलना में लेस एक्सपेंसिव है, उसका कंस्ट्रक्शन लेस एक्सपेंसिव है। एसी मोटर कैन वर्क इन हजरट्स एरिया लाइक केमिकल, पेट्रोकेमिकल ईटीसी, यानी एसी मोटर जो है आपको खतरनाक एरिया में, जैसे कि जहाँ केमिकल्स का प्रोडक्शन होता है या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री होते हैं, वहाँ पे भी एसी मोटर का वर्क किया जाता है, जबकि डीसी मोटर जो है वो अनसुटेबल है वैसे एरिया में, उस प्रकार के इन्वायरमेंट में आपका डीसी मोटर सूटेबल नहीं होता है, क्योंकि कम्यूटेटर में स्पार्किंग होता है डीसी मोटर में, इसलिए आपका हजरट्स एरिया में आपका डीसी मोटर का प्रयोग सूटेबल नहीं है। एसी ड्राइव का डिसएडवांटेज क्या क्या है कि पावर कन्वर्टर फॉर कंट्रोल ऑफ एसी मोटर के कंट्रोल के लिए
जो पावर कन्वर्टर यूज होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं डीसी मोटर की तुलना में, डीसी ड्राइव की तुलना में जो पावर कन्वर्टर होते हैं एसी मोटर के लिए वो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। पावर कन्वर्टर्स फॉर एसी ड्राइव आर मोर एक्सपेंसिव, एसी ड्राइव के लिए जो कन्वर्टर यूज होते हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं डीसी मोटर की तुलना में, डीसी ड्राइव की तुलना में। फॉर कन्वर्टर्स, पावर कन्वर्टर्स फॉर एसी ड्राइव जनरेट हारमोनिक्स इन द सप्लाई सिस्टम, एसी ड्राइव में जो पावर कन्वर्टर है वो आपको हारमोनिक्स सप्लाई सिस्टम में हारमोनिक्स प्रोड्यूस करते हैं और लोड सर्किट में भी हारमोनिक्स प्रोड्यूस करते हैं। तो यहीं पे आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।